मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की आकार व्यवस्था के रूप में हमारे महानगर दर्शन विस्तार से आपके सामने विचार करते हैं। मैं विचारों को विचार जोड़ते हुए कहूँगा जब सोया बाब ने यादा व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ा गई है। हर चौराहे पर जाल की स्थिति है, स्वागनगर चौराहे पर जाल की स्थिति, गांधी पार्क चौराहे पर और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब आ रही है। जैन पार्क के सामने सुभाष पार्क किराए पर स्थिति है और इससे आता है व्यवस्था की वजह से जब भीड़ रहेगी बाजार में तो हम लोगों की दुकानों पर ग्राहक आते हैं, दुकानों पर किया पाती है तो हम यही मांग करेंगे कि यातायात व्यवस्था के लिए हम व्यापारियों के बीच में अधिकारियों की जो पूर्तियाँ हुआ करती हैं काफ़ी दिनों से नहीं हुई, अगर वो पूर्ति होंगे तो उनको हम सुझाव भी देंगे और निराकरण के लिए सुझाव देंगे। अगर एक दूसरे प्राप्ति होगी तो हम उसमें शहर में सफलता प्राप्त करेंगे और दिनांक 29 तारीख को व्यापार मंडल का धरना प्रदर्शन मात्र 3 घंटे के लिए किया जा रहा है। उसमें समस्त व्यापारी अधिकारियों से बात करेंगे तथा अपने समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे मांग पत्र देकर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मांग करेंगे। दिनेश यादव, वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष व्यापार मंडल। आज अम्बेश जी हमारे जो महानगर अध्यक्ष हैं उन्होंने जो घंटाघर पे होने वाले धरना प्रदर्शन का मुझे संयोजक नियुक्त किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी भामाशाहों से अपील करना चाहूँगा कि 29 तारीख को 11 बजे सभी लोग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए उसका पालन करते हुए धरना प्रदर्शन पर पहुँचें और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में अपना महायोगदान दें। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताई दिया है कि व्यापार मंडल की यातायात व्यवस्था को के संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन जो रखा गया है उसको हम लोग अपील करेंगे और अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि वो कार्यक्रम स्थल पर आएँ और हमारे ज्ञापन लेकर कार्यक्रम को सफल अम्बेश शर्मा महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि ये शहर जो है जाम की समस्या से कड़ा रहा है। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जाम की व्यवस्था लोगों को परेशान कर रही है। जैसे कि हम ई रिक्शा का विरोध नहीं करते हैं, ई रिक्शा चलने चाहिए, उन्हें भी पेट पालन करना चाहिए, लेकिन व्यापार मंडल बरसों से मांग करता चला आ रहा है कि ई रिक्शाओं को नंबरिंग करके उनके रूट वितरण कर दिए जाए तो वो अपने रूट पर अपना मार्ग के हिसाब से चलें, ऐसे ही ऑटो रिक्शा अपने अपने हिसाब से चलें। लेकिन आप ये देखिए डाकखाने के चौराहे पर मिसाल के तौर चले जाइए, डाकखाने के चौराहे पर आप आधा एक घंटा तक नहीं चल पाएंगे, गिजाई की तरह ई रिक्शा चलते हैं। वहाँ चौराहे पर बच्चों के डॉक्टर भी बैठते हैं और जो है आपके हड्डी के डॉक्टर भी बैठते हैं, अन्य डॉक्टर भी बैठते हैं। सेंटर टाकिंग पे चले जाइए, आप किसी चौराहे पे चले जाइए, ऐसे ही जो है सेंटर टाकिंग से आपके गांधी पार्क के चौराहे तक बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो जाती हैं, उन्हें यातायात विभाग नहीं देख रहा है। हम बहुत दिन से मांग कर रहे हैं आप बस स्टैंड के पास जो है अवैध टैक्सी कार पार्किंग है इसे हटाया जाए, वो आज तक सुनवाई नहीं हुई है। आप सदर बाजार में चले जाइए, सदर बाजार में हम मांग कर रहे हैं सुबह 11 बजे से और रात्रि 8 बजे तक ई रिक्शा बंद कर दिए जाए और जिन व्यापारियों को माल लाना है उन्हें आपात स्थिति में बाजार में घुसेड़ा जाए। लेकिन आप चले जाइए, ई रिक्शा कहीं गली मोहल्ला से उठ जाते हैं, कहीं सुनवाई गली से उठ जाते हैं, कहीं अट्टावाई मोहल्ले से आ जाते हैं, ई रिक्शा बाजार में देख लीजिए। ऐसे ही हम जैसे यहाँ पर नवनीत राणा जी SP साहब रहे थे तो व्यापार मंडल से मांग करके उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई थी, तो जो व्यापारी गण है बाजार के वो जो है साठ में जो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं उन्हें उन्होंने बीच में कार पार्किंग बनाई, वो ऑटो रिक्शा की पार्किंग बनाई थी मोटरसाइकिल की, और व्यापारी बीच में मोटरसाइकिल खड़ी करते थे तो बनवे हो गया था, जाम की समस्या का समाधान हो गया था। आप सदर बाजार में चले जाइए का फल के ठेला का विरोध नहीं करते हम, फल के ठेला सुबह से बाजार खुले तब तक खूब बने होंगे।
लेकिन फल के ठेला बाजार खुलने के बाद भी दुकानों के सामने खड़े होते हैं, आए दिन वहाँ झगड़े होते रहते हैं, व्यापारी परेशान है। इन्हीं मांगों को लेकर व्यापार मंडल द्वारा 29 दिसंबर दिन गुरुवार को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक घंटा घर के चौराहे पर एक धरने का आयोजन किया गया है। वैसे तो हम धरने को विफल कर रहे थे क्योंकि कोरोना बराबर फैल रहा है, इसलिए हमने गाइडलाइन कर दिया है। हमारी करीब 40-50 आदमियों को हमने सिर्फ आमंत्रित किया, वो धरने पे बैठेंगे और जिला नगर मजिस्ट्रेट जी से हम निवेदन करेंगे, वो हमारा ज्ञापन लें और ये जो शहर की व्यवस्था है इसे सुधारें। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि वो 11 बजे से 2 बजे तक 29 तारीख को घट्टाघर पर चौक के चौराहे पर पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान के लिए लड़े। जय हिंद, जय भारत। व्यापार मंडल जिंदाबाद, मुकुंद भैया जिंदाबाद।